हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम आपके साथ हैं चार धमाकेदार मेटल शेयर्स के साथ। और ये चारों ही धमाकेदार मेटल शेयर्स फिलहाल आपको एंट्री बनाने का अवसर दे रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये कंसोलिडेशन फेज़ में है। बट ये चारों ही शेयर्स अपने अपने सेगमेंट के, अपने अपने बिजनेस एरिया के धमाकेदार शेयर्स हैं। इनमें अगर आज आप निवेश करते हैं तो आपका निवेश आपको अल्टीमेट ज़बरदस्त मुनाफा देगा। दोस्तों, कौन थे चार मेटल शेयर से, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, का लेबल्स भी मैं बताऊंगा। एंड जो लोग पहली बार चैनल पर आए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन समय रहते मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं ये चार धमाकेदार मेटल शेयर्स कौन थे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन शेयर्स के बारे में। हिंडालको एल्युमिनियम सेक्टर में, GSW स्टील स्टील सेक्टर का, टाटा स्टील स्टील सेक्टर का, VEDL माइनिंग एंड मिनरल सेगमेंट का काउंटर है। वेदांता, अब बात आती है कि इनके लेबल्स कहां पर हैं। तो हम लोग पहले तो निफ्टी मेटल सेगमेंट की बात कर लेते हैं। यहां पर आप वैसे तो जो वेदांता है वो माइनिंग एंड मिनरल में भी है, बट वेदांता का भी जो बिजनेस है वो मेटल सेगमेंट में भी बिजनेस है। सो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग दिस काउंटर। एंड ये जो स्टॉक है आपको एक अच्छे लेबल्स पर मिल रहा है। निफ्टी मेटल काउंटर मेटल इंडेक्स की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3070 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वीकली चार्ट पे, जहां पर फ्राइडे की क्लोजिंग रही है। लेट्स सी कि मंडे और जो नेक्स्ट वीक आ रहा है मंडे टू फ्राइडे, उसमें निफ्टी मेटल इंडेक्स का यहां से रिवर्सल लेता है, क्योंकि अगर यहां से रिवर्सल आया तो जितने भी मेटल काउंटर्स हैं, टाटा स्टील, GSW स्टील, हिंडालको या वेदांता, उन सभी में आपको तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ से ये और गिरा तो जो आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन रहेगा वो तकरीबन 2960-2950 के आसपास रहने वाला है, यानी कि लगभग यहाँ से 100-110 पॉइंट्स की और गिरावट संभावित है निफ्टी मेटल इंडेक्स के अंदर बिफोर एनी रिवर्सल। ठीक है, सो हम लोग मान के चलते हैं कि अगर यहाँ से कुछ और गिरावट आती है तो हम आपको बताते हैं कि इन स्टॉक्स में आपको किन डिबेस पर बेस्ट बाय करना होगा। हिंडालको, दोस्तों अगर हम हिंडालको की बात करते हैं, 218 के रेट पर इस वक्त काउंटर ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कि जो बेहतरीन लेबल्स रहेंगे, अगर इन एनी सिचुएशन आपको हिंडालको 190 के आसपास मिलता है, देन बेस्ट लेबल टू बाय। सो हिंडालको बाय बेस्ट लेबल इज 190 रुपीज फॉर द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग। अगर आपको इन्वेस्टर्स की तरह यूज़ करना तो आप लोग वीकली चार्ट के कैंडल के हिसाब से 190 रुपए के आसपास हिंडालको में लॉन्ग कर सकते हैं फॉर द टारगेट 270-280 के रेंज के लिए नेक्स्ट वन ईयर में। तो ये हिंडालको की बात है। अगर आप बात करते हैं सपोर्ट जोन की, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सपोर्ट मत बनाइएगा, 175 तक के आसपास का एक सपोर्ट बना सकते हैं। 190 पे आप बाइंग करेंगे तो 174-175 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे हिंडालको के अंदर। एंड टारगेट जो रहेगा वो आपका लगभग 270 के आसपास रहेगा अगले एक साल के अंदर। नेक्स्ट काउंटर है GSW स्टील, फैंटेस्टिक काउंटर है ये। स्टील सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो टाटा स्टील एंड GSW स्टील दोनों ही दिग्गज काउंटर हैं, और दोनों ही पीयर कंपनीज हैं, और सेक्टर में टॉप टू की पोजीशन पर दोनों ही बनी हुई, टॉप वन एंड टू की पोजीशन पर दोनों ही कंपनीज बनी हुई हैं। यहाँ से अगर हम लोग GSW स्टील की बात करते हैं तो मैक्स टू मैक्स आपको 286 से लेकर 290 का रेट अगर मिलता है तो बेस्ट बाइंग जोन होगा आपका GSW स्टील में। टारगेट होगा नेक्स्ट 12 से 15 महीने के अंदर वापस 400 रुपीज़ का, बिकॉज मेटल सेक्टर बहुत जल्दी ही आपको एक रिवर्सल डेफिनेटली शो करेगा, और एक अच्छा मोमेंट भी आपको मेटल सेगमेंट के स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। सो 280 से 290 के रेंज में कभी भी अगर आपको GSW स्टील मिलता तो बेस्ट बाइंग रहेगा फॉर द इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखना चाहते हैं, 3-5 साल के लिए, वो हर डिप पर SIP करें, क्रिएट करें, और हर डिप पर कुछ ना कुछ स्टॉक्स को परचेज करते हुए एवरेजिंग डाउन करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो होंगे उनको मैं यही कहूँगा 270 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें आप लोग। 280-285 के आसपास अगर बाई करता है 270 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बनिएगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर, ब्लो 270 एग्जिट कीजिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इस काउंटर में बने रहें, अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं। मेटल सेक्टर की वीकनेस की वजह से केवल ये काउंटर गिर रहा है, बट वंस द मेटल सेक्टर विल रिकवर दिस स्टॉक विल गिव द अल्टीमेट रिटर्न्स टू यू। ओके, सो GSW स्टील एंड नेक्स्ट इज द टाटा स्टील। अभी आपको 509 का रेंज दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसका जो डाउन साइड सपोर्टेबल लगभग लगभग
यू नो वीकली चार्ट पे 480 रुपीज़ का है, बट डेली चार्ट पर आप 498 रुपीज़ का इसको मान सकते हैं, आपको एक लेबल दे सकता है 498 पर, ये आपको खरीदारी का, ठीक है। अगर 498 के नीचे की डेली क्लोजिंग आ जाती है टाटा स्टील के अंदर, तो फिर आपको 480 का लेबल टाटा स्टील में लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए मिलेगा, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड काउंटर। मुझे लगता है ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अगर आप आज निवेश करके छोड़ देते हैं और आपके पास इनफ टाइम नहीं है स्टॉक्स को ट्रैक करने का, देखने का, तो अगले 3 से 4 सालों में ये स्टॉक्स आपको एटलीस्ट दुगने का प्रॉफिट आराम से देंगे, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा मुनाफा ये देने की क्षमता रखते हैं आपको। सो टाटा स्टील इज अनदर वन ऑफ द ग्रेट काउंटर फ्रॉम द मेटल सेक्टर, तो आप इसको बाय कीजिएगा। जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है 498 पे आप इसमें बाय कर सकते हैं 498 के लेवल पर। करंट प्राइस पर करते हैं तो 498 को आप स्टॉप लॉस बनाएंगे, क्योंकि 498 के नीचे की क्लोजिंग आए देन 480 का लेवल आपको मिलेगा। और अगर आपको 497 का लेवल अगर अगले 2-3 दिनों के अंदर मिलता है, देन डेफिनेटली दैट विल बी अ वेरी गुड लेवल टू एंटर फॉर द शॉर्ट टर्म एज वेल एज द फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ये टाटा स्टील है। मैक्स डाउन सर जो मुझे पॉसिबल लगता है वो 480 रुपीस का टाटा स्टील के अंदर लगता है, जो कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा 480 रुपीस का लेवल, और आप एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। वेदांता आप सभी को बताऊंगा, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी भी वेदांता ग्रुप की कंपनी है। स्टरलाइट कॉपर में की जो फैक्ट्री बंद हुई है, कहीं ना कहीं उसका भी कुछ माइनर सा इफेक्ट तो आता ही है, कुछ सेंटिमेंटल प्रेशर तो रहता ही है, बट चूंकि मेटल इंडेक्स में भी वीकनेस है तो ये कारण भी वेदांता के गिरने का मेन कारण है। अगर हम लोग वेदांता की बात करते हैं तो वेदांता में जो मेन सपोर्ट जोन रहेगा आपको, वो तकरीबन लगभग 170-175 की रेंज का रहेगा। और यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार फ्रेश कि आप कहाँ से लेबल्स को ले सकते हैं। मुझे लगता है कि करंट पोजीशन भी आपको एक, अगर यहाँ से रिवर्सल आता तो एक अच्छा लेबल दिखा सकती है, बट यहाँ से अगर और थोड़ी सी 150 पॉइंट की डिप आती है निफ्टी मेटल इंडेक्स के अंदर, तो ये काउंटर आपको 170 तक के लेवल पर लेके जा सकता है, बट इट्स लुकिंग वेरी टफ। ये एक ऐसी कंडीशन होगी जो कि बहुत ही ख़राब सिचुएशन होगी, जब मेटल सेक्टर में एक बड़ी डिप आएगी, एक भारी गिरावट होगी, तभी ये 160-170 पर जाएगा। अदरवाइज 190 विल बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेबल ऑन द डेली एंड द वीकली चार्ट इन द वेदांता लिमिटेड। तो ये चार काउंटर्स हैं जिनमें आप अपना निवेश बना सकते हैं, मेटल काउंटर्स है, अभी आपको मौका दे रहे हैं ये चारों ही धमाकेदार शेयर। लेकिन जैसे ही मेटल इंडेक्स अप ट्रेंड में आएगा, मेटल से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो ट्रेड वॉर चल रहा है या जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स है वो बेहतर होंगे, मेटल सेक्टर आपको शानदार रिटर्न देगा, शानदार परफॉर्मेंस देगा। सो अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ शानदार स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए आप इन चारों ही धमाकेदार मेटल शेयर्स पर अपनी नज़र बना के रखिए। जिन लेबल्स की हमने बात की, अगर वो लेबल्स आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं और आप शानदार जानदार मुनाफा कमा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।